आदिवासी महिलाओं ने घेरी कराहल पंचायत। बस्ती में ना सड़क है ना पानी, विकास के नाम पर मिली है कीचड़, अब कलेक्टर से करेगी शिकायत। खबर कराहल से है, जहां आज आचार वाली आदिवासी बस्ती की महिलाओं ने बताया कि उनकी बस्ती में आज तक सीसी सड़क नहीं बनी है, जिसके चलते रास्ते पर कीचड़ गंदगी हो रही है। गंदे जल भराव से मच्छर पनप रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, आए दिन कीचड़ में कोई ना कोई गिर जाता है। विकास की गंगा बहाने की बात करने वाले हमें पानी तक उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। सरकारी बोर की मोटर 2 महीने से खराब है, कई बार जिम्मेदारों से कह चुके हैं मगर कोई नहीं सुनता। पीने के लिए पानी दूर से निजी बोर से लाना पड़ता है। पंचायत केवल धनवान लोगों के घरों की सुख सुविधाओं का ख्याल रखती है, हम गरीब आदिवासियों की तो कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं जितेंद्र आदिवासी ने बताया कि सीसी सड़क के लिए जो राशि उनकी बस्ती के लिए आई थी, वो उस राशि का बिना सड़क जाले ही बंदरबांट कर लिया गया है। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य राम भरोसा आदिवासी ने बताया कि पंचायत आदिवासी बस्तियों की व्यवस्था के लिए आई शासकीय राशि का गबन कर लेती है, लोगों को सुविधाएं मिल नहीं पाती। अब हम मोहल्लेवासी कराहल पंचायत की शिकायत श्योपुर कलेक्टर संजय कुमार से करेंगे। वहीं इस मामले में कराहल पंचायत सचिव अतर सिंह यादव का कहना है कि ये लोग आज पहली बार मेरे पास आए हैं, मैं आज ही इनकी पानी की मोटर सुधरवा कर इस समस्या का हल कर दूंगा। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो हमारी सरपंच भाई साहब सुन रहे हैं ना, सेक्रेटरी भाई साहब सुन रहे हैं, बताई कर लीजिए। अभी अभी भाई आज मोटर ठीक हो जाएगी, ठीक होगा, मोटर डरेगी नहीं। रोज पंचायत पे आ रहे हैं, जानकारी नहीं मिलता रोज पंचायत पे आ रहे हैं, रोज कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता है। कौन सी शिकायत कर रहे हैं, चले जाते हैं, सुनवाई नहीं है हमारी, सुनवाई नहीं है हमारी, सुनवाई नहीं है। पंचायत पे आ रहे हैं रोज, जा रहे माने कोई जानकारी नहीं मिलता है। कौन से बोले, ना सरपंच मिले, ना सेक्रेटरी मिले, ना कोई साथ मिले, कौन से बोले माने। अब भी बेबस रहे, नहीं खा बैठा रही है, इनको कैसे बड़े आदमी भी वोट देते, हमने दिया वोट, इनको कैसे आरसी को छत गिरा था, तो मैंने दो टपाई ऐसी बन रहे अभी घर में खा है, और हमें बेरा दाव है, हमरो खाना तेरा आदमी का कछु भी नहीं है, की तो मत करो भाई, करे प्यारा जी दे पूरे काम तो बात है, खरंजा बनवा रहे हैं, सब करो भाई, लड़वा मतलब जो हमारा समय बोल रहे थे बड़े आदमी को एक घर बन रहा है, तो एक घर भाई करंजा कर रहा है, हमारा तो भैया ये निवेदन है, हमारी मोटर चालू चाहिए, हमें अभी एक महीना से बंद है, बच्चा बच्ची परेशान है, तो गंदगी इतनी हो रही थी कि कोई सीमा नहीं मानी, और यहाँ भी आ रहे पंचायत में तो कोई व्यक्ति मिलता नहीं है, अब फोन क्या आप यहाँ पर ना, तो सरपंच और जाएंगे तो अब तो सीधे कलेक्टर साहब के यहाँ पे जाएंगे, जैसे कि आरसीसी का पैसा आया था 9,62,000 रुपए, और इन्होंने निकाल लिए और आरसीसी नहीं डलवाई, और लगभग एक महीने से हमारे मोहल्ले की मोटर खराब है, पानी की समस्या, पानी नहीं आ रहा, और हमारी सरकार से यही मांगे कि उसमें नई मोटर डलवा के दे, नहीं तो फिर हम कल कलेक्टर के पास जाएंगे। क्या नाम है अम्मा आपका? गुमांडे। कौन सा सहराना है ये? अचार बार। क्या परेशानी है इसमें? जो देख लो कीचड़ मचरा हुआ है, हमें खरंजा भी नहीं है, और बोर भी हो जाता है तो वो भी बंद हो जाता है, देखो नहीं तो पानी की भी परेशानी, तो बंगला बारी पे जाता है। क्यों परेशान तो हो आप? भरन नहीं दे पानी, जो भी है आपने पंचायत में कही होगी। हाँ कही, यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुए, कोई नहीं हो रहा। ये कीचड़ क्या शुरू से ही है यहाँ पे? अभी जो कीचड़ तो यहाँ सीधी सड़क वगैरह नहीं बनाई गई, नहीं ना। वो वैसे ही करंजा रहेगा, कुछ भी नहीं है सर, ये मूल्य में कुछ भी नहीं है, एक भी बात बोलो। पंचायत बारे खा जाते हो गए पैसे, आते होते जो मोहल्ला पंचायत बारे हमें दे रहेगा।
हमें थोड़ी दे रहे हाँ मोटर भी बंद है हमारी, पानी को परेशान हो रहे हो 15 दिन से कछु भी नहीं है हमारे मोहल्ला में, परेशानी आ रही है हमरे मेहमान आते तो कीचड़ में हो रहा है जो कैसा कीचड़ में रह रहे हैं ऐसे आ रही है हमारी बस कोई सुनवाई नहीं है हमारे मोहल्ला की। क्या ये कब से परेशानी है? जो तो 20 साल की परेशानी है मैं बताऊँ, वो कछु में एक गिट्टी भी नहीं आ रहा, कछु भी नहीं आ रहा, कछु भी नहीं आ रहा, तो मच्छर पैदा हो रहे हैं हमारे, मोड़ा मोड़ी बीमार हो रहे हैं। हाँ आपने परेशानियां मन को कब से दिक्कत आ रही है? जो दिक्कत का अब 15-20 साल हो गए, अमन तन खंडा भी नहीं डर हुआ, एक बोल डर भी नहीं आ हुआ है हमें, हमरे अमन तन तो खरंजा भी नहीं है। देखो तो रो तो अब जो का गंदगी हो रही है, मोड़ा मोड़ी भी परेशान, गपा गप बिन में गिरता है सपा सप, मोड़ा मोड़ी भी परेशान है, कछु पैसा दे ला तो वो तो हमरे मोहल्ला में तो कछु खरंजा ही नहीं है, चीज आ रही है पत्रा भी नहीं पटको है, खाते हो गए कुछ वो। नाम भैया राम भरोसे जी, क्या हो आप मेंबर हो क्या इस वार्ड के? हाँ इस वार्ड के मेंबर है। आप मेंबर होते हो भी आपके मोहल्ले का विकास नहीं करा पा रहे? दादा हमने इतनी सरपंच से बोला है 50 बार, सेक्रेटरी से बोला है, और कौन से बोलेंगे, उनसे ही बोलेंगे अपन, जिला जिलाध्यक्ष से भी बोला है मैंने, अगर कोई सुनवाई नहीं, इसमें इतनी गंदगी है इतनी कोई सीमा नहीं, और इतना जो पैसा आता है वो वार्ड के पैसे काय में लगा रहे हो, हमारी वार्ड में तो 1 रुपये नहीं लग रहा माने, दो ट्रोली मोरम खाली करी उससे क्या गंदगी देखो माने, इतनी गंदगी का हमारे बच्चे बच्ची परेशान और हम परेशान, एक बार चेक कर लो चाहे कलेक्टर साहब के यहाँ पे, मेरे को जाना पड़ेगा कोई आ जाए। तुम तो वार्ड मेंबर हो, जनपद ग्राम पंचायत का हिस्सा हो, तुम्हें तो पता होगा पैसे कैसे कैसे बंटर बांट किए जाते हैं। हमें तो भैया पता नहीं जो पैसे को लगा रहे, पता नहीं कहाँ पे कहाँ लगा रहे, जो गोलमाल कर रहे और पानी वार्ड में 1 रुपया भी नहीं लगा रहे ये बिल्कुल भी। तुम इसकी जानकारी मांगते हो क्या? जानकारी मांगते हैं ना, मांगते जानकारी मांगते हैं ना, तो बताते नहीं माने, ना तो सरपंच बताता है ना सेक्रेटरी बताता है माने। अब तुम इसकी शिकायत कहाँ करोगे? हम तो सीधे कलेक्टर साहब के यहाँ पे जाएंगे। हमारे आदिवासी के नाम से पूरे पंजाब में पैसा आता है, देखो मोटर भी बंद डली है यहाँ पर, देखो मोटर बंद डले होने के बावजूद भी हमारे पैसे ने पूरे ने खा जा रहे जो पंचायत वाले। आप आके देख लो कलेक्टर साहब, आप आके देखो हमारे मोहल्ले में कितनी गंदगी है, हमारे बच्चा बच्ची भी बाह में गिर जाते हैं गंदगी में है। अगर तुम्हारे बच्चा बच्ची गिर जाएगा तो तुम्हें कितना बिरा लगेगा, ना तो सरपंच करे ना। ये अचार वाली बस्ती से कुछ महिलाएं आए हैं, वहाँ के रहवासी, पानी की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, आरोप लगा रहे हैं पंचायत में, क्या मामला है सेक्रेटरी साहब? मामला ये है कि आज तक जो मुझे तो पता नहीं है, और आज मुझसे मिले हैं ये पानी की बता रहे हैं ये लोग, तो मैं आज मोटर को निकलवा के सही करवा के डलवा दूंगा, पानी मोटर चालू करवा दूंगा। यानी ये पूर्व में जब भी आए आपसे नहीं मिले? पता नहीं मुझसे नहीं मिले, ये लोग खड़े हैं यहाँ इनसे भी पूछ लो, मेरे से आज पहली बार बात हो रही है, मुझे पता ही भी नहीं था मतलब कि मोटर खराब हो चुकी है इनकी, अब ये बता रहे हैं ये लोग कि मोटर खराब है, मैं आज मोटर सही करवा के, और यानी आज ही आप इस समस्या का निदान कर देंगे, आज ही चालू करवा।